इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो मेच्योर हो गए हैं, इसके बाद फर्टिलाइजेशन होना है उनका। ठीक है, तो स्टेप्स जो है वो स्टेप्स फर्टिलाइजेशन में कौन कौन से स्टेप्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप इज सबसे अब पॉलिनेशन हमने पढ़ लिया। ठीक है, वो पॉलिनेशन हो गया तो पोलन ग्रेन कहां जाएगा, पिस्टिल के ऊपर जाएगा। तो पहला स्टेप क्या है, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। फर्स्ट स्टेप इज पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। क्या है फर्स्ट डायग्राम इसमें, इस स्टेप में जो डायग्राम आएगा इसमें क्या है, सिग्मा स्टाइल एंड देन ओवरी। ठीक है, पोलन ग्रेन जो है, पोलन ग्रेन दैट इज स्टिग्मा। पोलन ग्रेन पहले स्टेप में क्या होगा, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, इन दोनों स्ट्रक्चर के बीच में इंटरेक्शन होगी तो क्या होगा, फर्दर इसमें स्टेप्स लिख रहे हैं। ठीक है, क्या होगा स्टेप में इंटरेक्शन के अंदर क्या होगा, स्टिग्मा, अच्छा स्टिग्मा रिलीज करके उससे पहले लिखो कि एंथर जो है, एंथर से पोलन्स जो है, पोलन्स रीचेस स्टिग्मा। सबसे पहले स्टिग्मा पे पहुंचे पोलन ग्रेन्स बी, फिर क्या हुआ, स्टिग्मा रिलीजेस सम शुगरी मटेरियल। शुगरी मटेरियल जो है रिलीज करता है स्टिग्मा, जिसमें क्या क्या हो सकता है, क्या हो सकता है उसमें, कुछ अमाउंट में क्या हो सकता है, रेजिन होती है प्लस ग्लूकोज होता है। ठीक है, वाटर भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो क्यों रिलीज करता है, ताकि ये पोलन ग्रेन यहाँ पे स्टिक कर सके, इसके साथ इंटरेक्ट कर सके। ठीक है, इसके बाद जो है पोलन पिस्टन इंटरेक्शन यहाँ पे होगी, तो अब यहाँ क्या करेगा पोलन ग्रेन क्या करेगा, ट्राई टू फॉर्म पोलन ट्यूब। पोलन ग्रेन क्या करेगा, ट्राई करेगा पोलन ट्यूब को फॉर्म करने के। ठीक है, और वो पोलन ट्यूब को कैसे फॉर्म करेगा, वो क्या करेगा, एब्सॉर्ब यहां से लिख देते हैं, पोलन एब्सॉर्ब शुगरी मटेरियल फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्टिग्मा। स्टिग्मा के सरफेस से वो शुगरी मटेरियल ले लेगा। ठीक है, ये क्या है, ये ओवरी है। फर्स्ट स्टेप हमने किया कि पोलन ग्रेन ने क्या किया, यहाँ पे अभी तक मटेरियल एब्जॉर्ब किया स्टिग्मा से, दैट इज फर्स्ट स्टेप। ठीक है, इसके बाद सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप का डायग्राम भी मैं मिटा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं सेकंड डायग्राम बनाऊंगी। सेकंड स्टेप, अब जो है पोलन ने क्या किया, इंट्रैक्शन कर ली है। ठीक है, इसके बाद पोलन ट्यूब फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, तो सेकंड क्या होगा, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन। फॉर दैट जस्ट रिकॉल द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। यू नो दैट इन द पोलन ग्रेन देयर आर टू वॉल्स, फॉर एग्जांपल दिस इज द पोलन ग्रेन आउटर वॉल, मैं डिटेल स्ट्रक्चर में थोड़ा सा बना रही हूँ, यहाँ पे एग्जाइन बोलते हैं आउटर वॉल को, इनर वॉल को इंटाइन बोलते हैं। ठीक है, सो एग्जाइन में पोर्स होते हैं। ठीक है, इस तरीके के पोर्स होते हैं, मतलब ओपनिंग्स होती हैं जहां से उसको पोलन ट्यूब बनाने में हेल्प करती है। उसको दो सेल्स होती हैं, एक जो है लार्जर होती है, एक स्मॉलर होती है। स्मॉलर वन को ये हमने डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन कर लिया है, स्मॉलर वन को हम जो है वो जनरेटिव सेल बोलते हैं, लार्जर वन को वेजिटेटिव सेल बोलते हैं। यहाँ पे मैं ये क्यों बता रही हूँ पोलन ट्यूब, क्योंकि पोलन ट्यूब की जो फॉर्मेशन है वो जो है वो वेजिटेटिव सेल से होनी होती है। लाइक अगेन आई एम गोइंग टू ड्रॉ स्ट्रक्चर, सेकंड स्ट्रक्चर फॉर दिस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। सो दिस इज स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, तो अब जो है पोलन ग्रेन जो स्टाइल के ऊपर स्ट्राइक किया है वो क्या करेगा, इस सरफेस से जो है वो एक ट्यूब की फॉर्मेशन शुरू कर देगा, इनिशिएट कर देगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इनिशिएशन ऑफ पोलन ट्यूब। ठीक है, इनिशिएशन ऑफ पोलन ट्यूब, ये क्या है, ये पोलन है, लेबल पूरा आप वैसे कर देंगे, ये क्या है स्टाइल है पूरे डायग्राम को, और ये ओवरी है। ठीक है, अच्छा ये बी डायग्राम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज मैंने आपको और बतानी है, पहले तो क्या इनिशिएशन पोलन ट्यूब फॉर्मेशन में क्या होगा, इनिशिएशन ऑफ पोलन ट्यूब। ठीक है, अब देखो पोलन ट्यूब कहां से बनेगी, पोलन ट्यूब फॉर्म्ड थ्रू जंप पोर्स और जंप फरो।
मैंने बताया था आपको जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन किया था कि अगर वो राउंडेड होगा तो उसको जम कोर बोलते हैं, और वो अगर इस स्लिट शेप का होगा तो उसको हम फरो वर्ड उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है, फरो वर्ड उसके लिए यूज करते हैं, ऐसी शेप होगी तो कोर बोलेंगे। अब पोलन ट्यूब जो है वो बनेगी कहाँ से, एग्जैक्टली उसकी पोजिशन क्या होगी, तो वो वेजिटेटिव सेल वाले जो वेजिटेटिव सेल है ये यहां से बनेगी, इस सेल से, और कहां से, जहां पे जर्म पोर होगा वहां से बनेगी, ऐसे ऐसे पोलन ट्यूब ऐसे बनेगी, ठीक है। डिटेल से चला दे, याद रखना वेजिटेटिव सेल जिसको हम ट्यूब सेल भी बोलते हैं वहां से पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन शुरू होती है। तो यहां लिखती हूं पॉइंट, पोलन ट्यूब फॉर्म बाय वेजिटेटिव सेल और जिसको क्या बोलते हैं, और ट्यूब सेल, ठीक है, एक चीज याद रखनी मैंने यहां बता दिया, और थ्रू जर्म पोर होगा, ठीक है। अब ये हो गया, क्या हो गया, पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन जो है वो होगी, ठीक है। अब इतना थर्ड स्टेप करेंगे, ये सेकंड डायग्राम आ गया, ठीक है। आफ्टर सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या होगा, फर्टिलाइजेशन में थर्ड पॉइंट, पोलन ट्यूब की इनिशिएशन हो चुकी है, अब इसकी ग्रोथ होनी है, तो क्या आएगा, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब की ग्रोथ, पोलन ट्यूब की ग्रोथ के लिए क्या क्या चीजें नेसेसरी होती है। देखो आप जो पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर आपको पता है, पोलन ग्रेन के अंदर दो न्यूक्लियस है, एक जेनरेटिव न्यूक्लियस है, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस है। तो जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, क्योंकि पोलन ट्यूब वेजिटेटिव न्यूक्लियस से बन रही है, तो इसमें क्या होगा, डायग्राम से पहले बताते हैं आपको, थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाते हैं, लाइक दिस इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ओवरी के अंदर जो है मान लो यहाँ पे एक ओव्यूल है, एक यहाँ पे, अब ठीक है ओव्यूल तक पहुंचना है पोलन ट्यूब को, तो जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन से जो है यहाँ से पोलन ट्यूब जो है वो फॉर्म हो रही है, उसकी ग्रोथ हो रही है, ठीक है, वो ग्रोथ होती जा रही, मान लो यहाँ तक उसकी ग्रोथ होगी, ठीक है, यहाँ तक उसकी ग्रोथ होगी। तो इसके अंदर वाला स्ट्रक्चर, एक तो इसमें इसमें दो न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, एक तो है जो लास्ट वाला इस तरफ वाला न्यूक्लियस होगा, वो होगा जनरेटिव न्यूक्लियस, जनरेटिव न्यूक्लियस, और इसके आगे जो न्यूक्लियस होगा वो होगा वेजिटेटिव न्यूक्लियस, यहाँ पे वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ठीक है। वेजिटेटिव न्यूक्लियस को ट्यूब न्यूक्लियस भी बोलते हैं, क्योंकि ये ट्यूब को गाइड कर रहा है, उसको बनाने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो जनरेटिव न्यूक्लियस है ये दो में डिवाइड कर जाता है, जनरेटिव न्यूक्लियस क्या करता है, एक से दो में डिवाइड कर जाता है, तो ये यहाँ पे दो बन जाएंगे। अब हम इनको जनरेटिव न्यूक्लियस नहीं, यहाँ पे हम इसको मेल गैमेट्स बोल देते हैं, मेल गैमेट्स, ठीक है, मेल गैमेट्स किससे बने, जनरेटिव सेल से। तो क्या क्या हुआ स्टेप में, ग्रोथ पोलन ट्यूब में क्या हुआ, इसमें क्या करता है, जो ट्यूब न्यूक्लियस है, ट्यूब न्यूक्लियस या वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ठीक है, इट गाइड्स पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब को गाइड करता है, उसको आगे फॉर्म होने में हेल्प करता है। सेकेंड चीज क्या हुई, जनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड इनटू टू मेल गैमेट्स, जनरेटिव न्यूक्लियस किसमें डिवाइड कर गया, टू मेल गैमेट्स में डिवाइड कर गया, ठीक है। तो पोलन ट्यूब के अंदर तीन न्यूक्लियस होते हैं, दो मेल गैमेट के और एक ट्यूब न्यूक्लियस होता है, ठीक है, दैट इज योर थर्ड स्टेप, ठीक है। एक और चीज, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कैलोज प्लग इन द, मैं पहले स्टेप लिख रही हूँ, इसी में ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब में क्या होता है, कैलोज, देयर इज कैलोज प्लग फॉर्मेशन, कैलोज प्लग फॉर्मेशन, प्लग मतलब ऐसा एरिया बने, जैसे ये ट्यूब है, पोलन ट्यूब का स्ट्रक्चर बना रही हूँ, यहाँ पे ये एक मेल गैमेट है, ये दूसरा, और यहाँ पे ट्यूब न्यूक्लियस है, इस पोलन के जो ये वाला एरिया है यहाँ पे प्लग बन जाएगा, प्लग लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, क्यों, उसको बोलते हैं कैलोज प्लग, क्यों बनेगा, वो क्या करेगा, जो बैकवर्ड फ्लो होगा गैमेट्स का उनको प्रिवेंट करेगा। तो कैलोज प्लग का क्या फंक्शन होता है, इट प्रिवेंट्स बैकवर्ड एंट्री ऑफ कौन से, मेल गैमेट्स एंड ट्यूब न्यूक्लियस, ठीक है, दैट इज थर्ड स्टेप ऑफ फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट
After that, fourth step. फोर्थ स्टेप इसका, अब पोलन की जो है एंट्री होनी है किसमें, ओव्यूल में. फोर्थ स्टेप एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल, ओव्यूल में उसकी एंट्री होनी है. ठीक है, जो बोला. अब मान लो हमें जो स्ट्रक्चर है उसको बनाऊंगी. फॉर एग्जांपल ओव्यूल मैं ऐसे बना देती हूँ. ये ओवरी के अंदर ओव्यूल का एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया. ठीक है, ये क्या है, ओव्यूल है, ओव्यूल. ठीक है, ओव्यूल का डिटेल्स हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिया. अब जो यहाँ से स्टाइल रीजन है, वहां से जो मैं इसका हाफ ही पोर्शन बना रही हूँ. ठीक है, जो पोलन ट्यूब बनती हुई आ रही है, ठीक है, वो क्या करेगी, एंटर करेगी माइक्रोपाइलर एंड से, वो एंटर करेगी इस तरीके से. अब इसके अंदर क्या है, दो तो मेल गैमेट है और एक ट्यूब न्यूक्लियस है. ट्यूब न्यूक्लियस आगे होगा. ठीक है, ये आपका ओव्यूल का स्ट्रक्चर है. थोड़ा सा रिकॉल करेंगे ओव्यूल का स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे एक तीन सेल्स होती हैं, जिसमें से एक जो है एग सेल होती है, सेंटर में दो न्यूक्लियस होते हैं और यहाँ पे भी तीन सेल्स होती हैं. ये जो है प्रीवियस वीडियोस देखे ना, उसमें स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल जो है डिटेल में किया है. अब यहाँ पे क्या होगा, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू माइक्रोपाइलर एंड जो है यहाँ पे हो रहा है. ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये चलाजल एंड है, ये इसके एंटैगमेंट्स हैं. ठीक है, तो यहाँ पे टर्म्स हैं कुछ. पोलन ट्यूब पहले क्या हो रहा है, पोलन ट्यूब एंटर्स इनसाइड द ओव्यूल, यही हो रहा है, ओव्यूल के अंदर वो जा रही है. ठीक है, और पोलन ट्यूब में जो ट्यूब न्यूक्लियस है वो उसको हेल्प कर रहा है. अब अगर जो है पोलन ट्यूब जो है माइक्रोपाइलर एंड से एंटर कर रही है, तो उसको बोलते हैं पोरोगैमी. याद रखना, पोरोगैमी क्या है, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब टू माइक्रोपाइल. माइक्रोपाइल क्या है, डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल देखें. ठीक है, सेकंड, अगर जो है चलाजल एंड से पोलन ट्यूब यहां से नहीं, यहां से होके आती घूम के, यहां से इस एंड से होती उसकी, तो उसको बोलते हैं चलाजोगैमी. तो चलाजोगैमी क्या हुआ, दैट इज एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू चलाजल एंड, चलाजल एंड. ठीक है, एक और टर्म है मीजोगैमी. मीजोगैमी, मीजो वर्ड वी आर यूज फॉर सेंट्रल पोजीशन. मतलब अगर ये पोलन ट्यूब यहां से भी नहीं आई, यहां से भी नहीं, सेंटर से आती, यहां से एंटर करती इंटैगमेंट्स के थ्रू, तो उसको, तो यहां पे थर्ड टाइम में क्या होगा, मीजोगैमी का मतलब क्या है, एंट्री ऑफ पोलन थ्रू क्या, इंटैगमेंट्स, थ्रू इंटैगमेंट्स. ठीक है, तो ये तीन टाइप थे किसके, पोलन ट्यूब की एंट्री के बेसिस पे थ्री टाइप्स हैं, पोरोगैमी, चलाजोगैमी एंड मीजोगैमी. ठीक है, पोरोगैमी अगर पोलन ट्यूब माइक्रोपाइलर एंड से एंटर कर रही है, चलाजोगैमी अगर पोलन ट्यूब जो है चलाजल एंड से ओव्यूल में एंटर कर रही है, एंड थर्ड वन इज मीजोगैमी अगर पोलन ट्यूब जो है इंटैगमेंट से होकर फिर इस जो अंदर वाला स्ट्रक्चर है जो एंडोस्पर्म्स में एंटर कर रही है. ठीक है, अब पोलन ग्रेन की क्या, पोलन जो ग्रेन की पोलन ट्यूब है उसकी एंट्री जो है हो गई है, फोर्थ स्टेप हो गया. इसके बाद क्या होना है, अब इसके बाद पोलन ट्यूब जो गैमेट्स हैं उनकी एंट्री होनी है एम्ब्रियोसाइट में. ठीक है, तो फिफ्थ स्टेप, नेक्स्ट स्टेप इज, ये फोर्थ डायग्राम था. ठीक है, लेबलिंग कर लेंगे इसमें पूरी. ठीक है, ये क्या है, पोलन ट्यूब है, ट्यूब न्यूक्लियस है, मेल गैमेट्स है, ये लिख लेंगे पूरा. अब हम फिफ्थ स्टेप है आपका एंट्री ऑफ गैमेट्स इन ओव्यूल. ठीक है, जो गैमेट्स हैं, ये वाले गैमेट्स, ये क्या है, मेल गैमेट्स हैं. ये कैसे एंटर करते हैं, देखो अब मुझे ये स्ट्रक्चर और बड़ा बनाना पड़ेगा ताकि आपको अंदर वाला स्ट्रक्चर मैं एक्सप्लेन कर सकूं. ये ओवरी है, अगर मैं ओवरी को और एनलार्ज कर दूं, ध्यान से समझना इस स्टेप को, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा स्टार्टिंग में, फिर जब समझ आ जाएगा तब तो इजी लगेगा. पोलन ट्यूब यहाँ से आ रही है, ये मैं अंदर वाला पोर्शन एनलार्ज बना रही हूँ. ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ रहा है. ये इंटैगमेंट्स हैं, ठीक है, ये इंटैगमेंट्स. अब इसके अंदर दो जो है न्यूक्लियस होते हैं, पोलन न्यूक्लियस इसको बोलते हैं. पोलन ट्यूब जो है यहाँ से एंटर कर रही है, माइक्रोपाइलर एंड से एंटर कर रही है, आगे इसके
ट्यूब न्यूक्लियस है। अब मेल गैमेट्स, फिफ्थ डायग्राम में आप मेल गैमेट्स यहां नहीं बनाएंगे क्योंकि वो एंटर कर रहे हैं, किसने क्या होता है देखो फिफ्थ स्टेप में क्या होगा, फिफ्थ स्टेप हम करें इसके अंदर जो सेल्स है, एक आपको पता है यहाँ पे दो सेल्स जो है वो प्रेजेंट होंगी, दो सेल्स ऐसे प्रेजेंट होंगी और तीसरी यहाँ पे एग सेल होगी, ठीक है, तीसरी यहाँ पे एग सेल होगी। तो जो फर्स्ट दो मेल गैमेट है, जो फर्स्ट मेल गैमेट है इट फ्यूजेस विद एग न्यूक्लियस, एग सेल में जो एग न्यूक्लियस होगा उससे फ्यूज करेगा, एग न्यूक्लियस की जगह आप एग सेल भी लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या होता है, मैं जस्ट ये वाला डायग्राम एनलार्ज करके बता रही हूँ, जैसे ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये माइक्रोपाइलर एंड है, यहाँ से पोलन ट्यूब आई, ठीक है। अब यहाँ पे ये सिनर्जिक सेल्स होती हैं, ठीक है, दो सिनर्जिक सेल्स होती हैं, ऐसे एग सेल होता है। सिनर्जिक सेल्स जो ट्यूब न्यूक्लियस है, ठीक है, जो ट्यूब न्यूक्लियस है वो क्या करता है, एक पहले तो सिनर्जिक सेल में एंटर करता है, ये कौन सी सेल है, सिनर्जिक सेल, ये सारे स्ट्रक्चर जो सिनर्जिक सेल, एग सेल, ये सारे ओव्यूल के स्ट्रक्चर में डिटेल में किया हुआ है, ठीक है। तो सिनर्जिक सेल्स जो है ट्यूब न्यूक्लियस, ये मैंने ट्यूब न्यूक्लियस में लिख देती हूँ, ट्यूब न्यूक्लियस सिनर्जिक सेल में एंटर करता है और उस सेल को रप्चर कर लेता है, क्या कर देता है उसकी ब्रेकडाउन, मतलब ये ब्रेकडाउन होगी इसकी, इसको ब्रेकडाउन कर देगा। और फिर इसके पीछे दो गैमेट है, कौन से, मेल गैमेट है, टू मेल गैमेट। अब क्या, जब ये इसको डिजेनरेट कर देगा तो यहां से ये एक मेल गैमेट क्या करेगा, एग सेल तक एंटर करेगा और इसके साथ फ्यूज करेगा, मतलब जो वन मेल गैमेट है वो यहां से जब इसकी डीजनरेशन हो जाएगी तो एग सेल में एंटर करता है ऐसे, ठीक है, ये एंटर कर गया। फिर दूसरा मेल गैमेट जो है वो एंटर करके इन न्यूक्लियस के साथ यहाँ पे जो है वो फ्यूज करता है, ठीक है। मैं फिर से स्टेप बाय स्टेप यहाँ लिखती हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्या हुआ, फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूजेस विद द एग सेल, कि कैसे, बाय हेल्प ऑफ ट्यूब न्यूक्लियस, ट्यूब न्यूक्लियस की हेल्प से कैसे, बिकॉज ट्यूब न्यूक्लियस हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ सिनर्जिक सेल्स ऑफ किसके सेल, वो ओव्यूल की, ओव्यूल की सिनर्जिक सेल को ब्रेक डाउन करता है फिर एग सेल के साथ फ्यूज करता है। एक तो फर्स्ट गैमेट फ्यूज कर गया, सेकेंड इज सेकेंड मेल गैमेट, सेकेंड मेल गैमेट, सेकेंड मेल गैमेट जो है इट फ्यूजेस फ्यूजेस विद, आप फर्टिलाइज वर्ड भी यूज कर सकते हो फ्यूजेस की जगह, इट फर्टिलाइज विद या इट फ्यूजेस विद टू पोलर न्यूक्लियाई ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल के जो दो पोलर न्यूक्लियाई हैं इनके साथ ये फ्यूज करता है, ठीक है, दिस इज फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हुआ क्योंकि जो मेल गैमेट्स हैं वो कम जो फाइनली जो है एग सेल के अंदर एंटर कर चुके हैं, यहाँ पे भी तीन सेल्स होती है एंटीबॉडल सेल्स, ठीक है। चलो मैं यहाँ इसकी लेबलिंग कर देती हूँ फॉर योर कन्वीनियंस, दिस इज पोलन ट्यूब, ये जो फिफ्थ डायग्राम है ये क्या है, मेल गैमेट्स हैं, ये क्या है, एग सेल है, आपने डायग्राम अच्छे से बनाना है, पता है ना, ये क्या है, एम्ब्रियो सैक, जहां के जहां जो है वो, ये दोनों क्या है, ये जो है पोलर न्यूक्लियस है, पोलर न्यूक्लियस है, ठीक है, ये एंटीपोडल सेल्स है, मैं कहां लिखूं, यहां लिख देती हूँ एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। ये एंटीपोडल सेल्स क्या होते हैं, यहाँ पे प्रीवियस वीडियो स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल में जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो फर्टिलाइजेशन होती है। अभी थोड़े से और चेंजेस यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ से आपको एक तो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन का क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म। एक और चीज, मेसोगैमी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंजियोस्पर्म का। मेसोगैमी मींस व्हेन पोलन ट्यूब एंटर्स थ्रू द माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। इसके बाद कुछ एक और रिलेटेड टर्म है जो कि फर्टिलाइजेशन से डायरेक्टली रिलेटेड है, जिन पे अलग से नोट आता है लिखने को। देखो यहाँ पर तो आपका प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया फाइव पॉइंट्स में, ठीक है। फाइव पॉइंट्स में सब पॉइंट्स हैं बहुत सारे, ठीक है। अब यहीं से फर्टिलाइजेशन से ही रिलेटेड क्वेश्चन है दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दो टर्म्स है, कौन कौन से, वन इज डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन रिस्ट्रिक्टेड टू एंजियोस्पर्म हम पढ़ेंगे। सेकेंड इज ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन, इन दोनों पे ही अलग से नोट आ जाता है लिखने को, बोथ फॉर सीबीएसई एंड एचपी बोर्ड, राइट।
अब देखो क्या हुआ कि एक ट्रिपल फ्यूजन, देखो पहले वन मेल गैमेट हैप्लॉइड नंबर एन मैंने लिख लिया, प्लस फ्यूज किया किसके साथ, टू पोलर न्यूक्लियस दोनों ही हैप्लॉइड है, मतलब एक पोलर न्यूक्लियस के लिए मैं एन लिख रही हूँ, दूसरे के लिए एन, देखो कितने नंबर हो गए एन के, यहाँ पे थ्री एन हो गया ना, ट्रिपलॉइड। जब ये दोनों फ्यूजन कर रहे हैं, द फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट विद टू पोलर न्यूक्लियस, ठीक है, इन विच थ्री हैप्लॉइड न्यूक्लियस फर्टिलाइज विद ईच अदर नोन एज ट्रिपल फ्यूजन। अगर आपको मैं डेफिनेशन यहां लिख देती हूँ ट्रिपल फ्यूजन की पहले, ठीक है, लिखो द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट, मैं यहां पे एन भी लिख रही हूँ साथ में, विद टू पोलर न्यूक्लियाई दैट इज एन प्लस एन इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन, इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन एंड हो गई ट्रिपल। सो यहाँ पे फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट विद द टू पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, अब यहाँ पे थ्री एन ट्रिपलॉइड, और ये एंजियोस्पर्म होता है ट्रिपलॉइड, जो एंजियोस्पर्म में है ट्रिपलॉइड एंडोस्पर्म तभी बनता है क्योंकि यहाँ पे ट्रिपलॉइड कंडीशन होती है, ठीक है, ये डेफिनेशन आपको, ट्रिपल फ्यूजन ये होता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल में आप एंजियोस्पर्म लिखो, ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ ट्रिपल फ्यूजन इज एंजियोस्पर्म, ठीक है, फिर आप इसको डिटेल में लिख सकते हो, इसमें डायग्राम भी बना सकते हो ये वाला ट्रिपल फ्यूजन में, जिसमें आप शो कर सकते हो कि वो मेल गैमेट जो है यहाँ तक आ रहा है और इसके साथ फ्यूज कर रहा है, यहाँ पे आके फ्यूज कर रहा है, फिर तीन यहाँ पे हैप्लॉइड न्यूक्लियस जो है यहाँ पे लिख सकते हो आप, वन प्लस वन, वन एन प्लस वन एन प्लस थ्री, तो ये क्या बन रहा है, थ्री एन बन रहा है, ठीक है। इसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एक तो देखो ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है इसको हम ट्रिपल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, प्लस आप जो दूसरा मेल गैमेट है वो एग सेल के साथ फर्टिलाइज कर रहा है, सेकंड मेल गैमेट फ्यूजेस विद एग सेल, एक फर्टिलाइजेशन ये हो रही है, मतलब ये यहां पे दो फर्टिलाइजेशन हो रही है, एक ये एक ये, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन क्या हुआ, मैं डेफिनेशन में लिखती हूं, पढ़ा, डबल फर्टिलाइजेशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, डबल फर्टिलाइजेशन, इन दिस प्रोसेस वन मेल गैमेट फ्यूजेस विद, या फर्टिलाइज वर्ड यहां यूज करो, डबल फर्टिलाइजेशन में फर्टिलाइजेस विद पोलर न्यूक्लियाई एंड अदर फ्यूजेस विद, अदर मतलब जो सेकेंड वन है, फ्यूज विद एग सेल, दिस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फर्टिलाइजेशन, स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड हाउ द एंट्री ऑफ पोलर ट्यूब अकर्स इन साइड द ओव्यूल इन एंजियोस्पर्म, व्हाट आर द थ्री वेज, ठीक है, पोरोगैमी, इज़ोगैमी एंड चिलोज़ोगैमी, सारा हम निकल गए। इसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फर्टिलाइजेशन, इसके बाद जो है फर्टिलाइजेशन अगर हो जाता है तो क्या बनेगा, जाइगोट, जाइगोट डेवलप करेगा, मतलब कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी। सो नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, थैंक यू।